पूछना जरूरी है। देखो सवाल में शरारत कितनी होती है जान देना। मेरा सवाल पूछना जरूरी है। मुझे अल्लाह ताला ने इस मुल्क का ज़हीन तरीन आदमी पैदा किया। अच्छा अच्छा, बतौर मुसलमान क्या हमें हक पहुंचता है कि हम किसी के ईमान पर अपनी फिंगर रेस करें? नहीं पहुंचता। हर एक आदमी का अपना मसला है, अल्लाह ताला को जवाब दे। आप एंडोर्स करते हैं इस चीज़? हाँ हाँ बिल्कुल। चले जी, मुफ्ती साहब का शॉर्ट सुनवाइए। इन्होंने पेशाब से वुजू किया इमरान ने, पेशाब से वुजू नहीं कर रहे, अल्लाह माफ कर रहे, गंदे पानी से वुजू किया। मैं कहता हूँ यहाँ पर आपने क्या किया? ये एक होती है खबर, एक होती है तमसील। मैं एक बात समझा रहा हूँ कि अगर आपने दांदली ज़्यादा हुकूमत से खिलाफ मेरठ वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ गए, ऐसे ही सुना दांदली की बात तो आप अल्लाहू अकबर, आपने मेरे इल्ज़ामात हैं, अभी साबित तो नहीं। नहीं नहीं सबर, ये किसने कहा? आपके इल्ज़ामात हैं। कमाल है यार, कौन सी पूरी दुनिया कह रही है? कौन सी दुनिया? कुछ अदालत ने कहा आपकी तमसील बिलफर्ज मान ली जाए। मुझे बताएं, आपने धांधली की बात, धांधली 2018 के बारे में आप कर रहे हैं ना, उससे पहले आप कह रहे हैं कि दाल कुछ काली थी, अब पूरी दाल काली है। जो कुछ काली दाल थी उसमें भी तो धांधली होती रही होगी। आप लोग जब इक्तदार चैलेंज करते रहे हैं उस वक्त आप लोग उससे वुजू नहीं कर रहे थे जिससे आप अब वुजू करा रहे हैं। इदारे को आप घसीटना चाहते हो ना, ये मुदाखलत नहीं कर रही। शख्सी तौर पर लोग गलतियां करते थे तो फिर आपने एक आदमी ने गलती की, सुने एक एमपी ने तो कुछ गलती तो होती है ना, सफा जवाब आप याद रख कर लेते हैं अपनी गलती। ये कह दूं कुछ गलती होती थी। मुनाफिकीन के बारे में दीन क्या कहता है? मुनाफिकीन की दो किस्में हैं, एक मुनाफिक अमली होता है, एक मुनाफिक एतिकादी होता है। ठीक है, मजहब के मामले पर, एक ही मामले पर दो मुख्तलिफ अशखास के लिए दो मुख्तलिफ राय रखने वाले को आप क्या कहेंगे? देखो तराजू एक ही होना चाहिए, आपके लिए भी वही तराजू होगा, मेरे लिए भी वही तराजू। इज दैट राइट और रॉन्ग? हां राइट। शॉर्ट दिखाएं जी मौलाना साहब का। नहीं थी उनकी जाती जिंदगी को आपने इसी तरह हजरत, जाती जिंदगी जब खराब हो तो उसको इज्तिमाई जिंदगी में क़यादत का हक नहीं पहुंचता। ये इस्लाम के उसूल है, पहले अब्दियत है उसके बाद खिलाफत है। सरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने अपनी पाकीजगी साबित की थी आपके सामने, जो आप उनके साथ भी हुकूमत में थे और अब इनके साथ भी है। वहां तो कोई ऐसा इशू नहीं था, और फिर ये इशू मेरे है नहीं, ये अफराद के मामलात हैं, मैं अफराद की जंग नहीं लड़ रहा। इमरान खान साहब के लिए इंफरादी जिंदगी में, जाती जिंदगी में अगर वो खराब है, ठीक नहीं है, तो खिलाफत के काबिल नहीं है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए जिनके साथ वो इक्तदार चेरिश करते रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि वो मेरा मसला नहीं है। इसके ऊपर जवाब देना मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सवाल किया। इसके ऊपर जवाब देते हैं मुझे। जाती जिंदगी में जो बेहतरीन आदमी होता है, इज्तिमाई जिंदगी में उसको बेहतरीन आदमी चुना जाना चाहे, ये है नंबर एक। ठीक है, जाती जिंदगी में एक आदमी तो कमतर है लेकिन इज्तिमाई जिंदगी में मर्दम आजार नहीं है। हाँ। ये दूसरा नंबर है। ठीक, जाती जिंदगी में अच्छा है लेकिन इज्तिमाई जिंदगी में मर्दम आजार है, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, और जाती जिंदगी में भी गलत है और इज्तिमाई जिंदगी में भी गलत है, ये चौथा नंबर। मौलाना साहब ये अक्साम बता रहे हैं, ये अक्साम बता रहे हैं, मतलब वो अपनी तरफ से वो कैटेगराइज कर रहे हैं जरदारी साहब को, अपनी तरफ से कैटेगराइज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, इमाम शाहुली नदी नहीं, ये कमाल है यार, खुद से तय कर। मैं आपको अबदियत खिलाफत की बात बताऊं सर, मैं ये ऐसे कौम को ये बताया जाए, ऐसे आदमी को बनाओ जो जाती जिंदगी, जाती जिंदगी में भी ठीक हो और इज्तिमाई जिंदगी में भी ठीक हो। अगर आपकी ये बात मान ली जाए, आपकी इस दलील को भी मान लिया जाए, तो वो वक्त बताइए जब जरदारी साहब इक्तदार में थे, मौलाना साहब जरदारी साहब हमारा जो यू है उससे बनता है उलमा। खत्म नबूवत के कानून के ऊपर